नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा कुकिंग क्लासी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक के रायते की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। चलो चलते हैं पालक का रायता बनाने। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक लिया, इसे मैंने अच्छे से धो लिया और एक मैंने बड़े बर्तन में इसे बॉयल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा सा पानी डाला और मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ पे ले ली थी मैंने दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और जो पालक था उसे मैंने अच्छे से पीस के इसमें प्योरी डाल दी पालक की। इसमें डाला मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक। काला नमक ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद डाला थोड़ा सा वाइट नमक। फिर उसके बाद डाला मैंने सूखा पुदीना पाउडर। फिर डाला मैंने जीरा भुना हुआ। उसके बाद डाला मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें डाला जीरा और हींग और इसका मैंने तड़का लगा दिया। तो यहाँ हो गया मेरा रायता बनके एकदम तैयार। तो इस रायते को चलते हैं हम सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पालक का रायता हो गया बनके तैयार। अगर आपको मेरे पालक के रायते की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट।